आंखें देखी आंखें बस। और ये उड़ने वाला डायनासोर। जी तो भाई, आपका भाई आज बहुत खुश है। वो दो वजह है भाई मेन खुश होने की। एक वजह है भाई, मेरे सब्सक्राइबर 2000 हो चुके हैं आप सब। दूसरी वजह यह है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूँ जो मेरे लिए बहुत कुछ है और मेरे लिए सब कुछ है। उनसे मुलाकात करवाऊँगा आपको आगे जाके। अभी मैं जिधर हूँ वो भी आपको बताता हूँ। पहले उससे पहले हम टिकट लेते हैं। टिकट लेने जा रहा हूँ मैं, और ये टिकट काउंटर पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या टिकट की क्या प्राइस है? 200 पर पर्सन सर। एंट्री फीस होती है ये? यस सर, ये आपका एंट्री फीस है एक बंदे की। यस सर, चले एक टिकट दे देना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये टिकट मिला है जी, 200 रुपये का एक टिकट, नॉन रिफंडेबल। अच्छा जी, ये बगी आ गई है। ठीक है, ये हमें ऊपर लेके जाएगी फ्री में। ठीक हो गया, फ्री में। जी तो व्यूअर्स, मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है इस्लामाबाद में। ठीक है, उसका नाम है डिनो वैली। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो मैं आपको सारा विज़िट कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने एक शख्सियत से मिलवाना था, वो तो मैं आगे जाके मिलवाऊंगा, मगर उनसे उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो कुछ ये यूट्यूब चैनल वगैरह आप समझ लीजिए जो बना रहा हूँ आपके सामने, वो सब उनकी वजह से ही है यहाँ के। अभी आप पहुँचे हैं, ठीक है, डिनो वैली पर। अभी मैं बैठा हूँ बग्गी में, ठीक है, जो कि बिल्कुल हमें फ्री लेके जा रही है ऊपर। 200 रुपये टिकट हम भर के आ रहे हैं एंट्री फीस का। और ये भाई चला रहे हैं डिनो वैली के ड्राइवर। ये देखिए बग्गी सिस्टम, डायनासोर। डिनो वैली का मतलब है कि डायनासोर वैली। वैली बहुत प्यारा नज़ारा है, ये इस्लामाबाद की पहाड़ियों के अंदर मौजूद है। और मैं पहुँच चुका हूँ। आपने डायनासोर देखे हैं क्या रियल में? अगर नहीं देखे तो भाई इस्लामाबाद में आप आएँ और विज़िट करें, ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो डायनासोर ही डायनासोर है हर जगह पे। मैं जब देखा था मैंने तो डर गया था बिल्कुल ही। डांसिंग वाले, ये देखो ये डायनासोर भी डांस करते हैं भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, आगे हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई? ठीक है, फिट। यहाँ की इंतजामिया भी बहुत अच्छी है। तो ये देखें जी, लेफ्ट साइड पर आपको काउंटर मिलेगा कौन आइसक्रीम का। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम इंटर हो रहे हैं इनके मेन जुरासिक वर्ल्ड में। बिलाल है, ठीक है। अच्छा, इनकी टाइमिंग क्या है वैसे? ये 2 बजे ओपन होता है? नहीं सर, ये सुबह 11 बजे ओपन होता है और ये रात 10 बजे तक होता है। ठीक हो गया जी। जी सर, फाइबर के बने हुए हैं ना, क्योंकि साथ साथ लगे हुए हैं। ठीक है, ये किधर फंसा हुआ है? जुरासिक वर्ल्ड बड़ा अंदर चला गया भाई। और ये झूले भी लगे हुए। ये तो भाई बहुत ही डरावना लग रहा है मुझे, लाइव देखे आप। ये देखें, ये तो भाई पता लग रहा है कि असली है। ये देखें भाई। तो गाइस, आपको पता है कि मैं बंगला डैम से आया स्पेशली इस जगह को देखने के लिए। भाई आप क्या कर रहे हैं घर में, आप लाजमी आए इस जगह को देखने के लिए। इसको लोकेशन आपको भाई ये समझा देंगे बेहतर। ये बिल्कुल सर, ये जो हमारा मुनाल है, पिशावर मुनाल, क्योंकि 10 मिनट का ड्राइव है। ये पिशावर जो हमारा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है शनवारी, उस आगे बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे आई है। ठीक है, डैने वाली के नाम से जाना जाता है, डैने वाली। तो व्यूअर्स, अभी तक आपको कौन सा खतरनाक डायनासोर लगा कमेंट में ज़रूर बताएं आप। एक और खतरनाक खूबसूरत डायनासोर। अच्छा, ये मूवमेंट कैसे करते हैं ये बताया मुझे? ये सर के साथ सेंसर लगे हुए हैं ना, जैसे हम इनके आगे से गुजरते हैं ना, ये साथ साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली, सामने देखें ब्लैक कलर का सेंसर लगा हुआ है। अच्छा जी, ये सेंसर लगा हुआ है। वो स्नेक भी है यार, ये देखें जी, स्नेक, एनाकोंडा। और आस पास सरसब्ज माहौल, वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़। और इस्लामाबाद की क्या बात है।
और ये उड़ने वाला डायनासोर, ये देखें गाइस, ये देखें, उसके बाद आपको झूले भी दिखाएंगे। अभी नीचे उस साइड पे अभी हम नहीं गए, हम सिर्फ अभी डायनासोर की विजिट कर रहे हैं। जिस बात का आपको वेट था, वो शख्सियत कौन है भाई, वो मेरे फादर हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो उनसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे फादर हैं भाई, तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, घबरा रहे थे थोड़ा, नहीं आ रहे थे, मैंने बोला कुछ नहीं होता, अपना चैनल है, तो 2000 सब्सक्राइबर हुए तो तब मेरे साथ आए। कैसे ठीक है? बड़ी अच्छी जगह पे लेके आए हैं आप। मैं इनको विजिट कराने बाहर लेके आया था, मैंने बोला चले बाहर की थोड़ा अच्छी हवा आप खाए। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, इन लोगों ने बहुत ही उमदा मेहनत की हुई है, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं सारा दिन इधर ही घूमता रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है, टाइम की किल्लत है, और हमेशा आप लोग भी बिल्कुल आए इधर विज़िट करें। ये थोड़ी सी दूर है इस्लामाबाद, तकरीबन 14 किलोमीटर है, और ये असल मेरा बेटा है, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इस ये काम व्लॉग वगैरह करूँ, और मेरा ये इरादा था कि 2000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं तब मैं अपने फादर को दिखाऊंगा। ये मेरे फादर हैं। शौक था, आप भी पूरे शौक से इसकी वीडियो को लाइक करें, मेहरबानी। अच्छा जी, अभी तो आप डायनासोर देखे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ एलिफेंट, मतलब के हाथी, बूढ़े हाथी, जंगली हाथी, वो आप दिखाता हूँ, खतरनाक। ये देखें, ये सबसे छोटा, और ये पति दादी अम्मा है या अबू है, जो भी आप कह लें, और ये इसके छोटे, इनके नाम लिखे हुए हैं महमद। और ये काफ़ी खूबसूरत और मूवमेंट वाले, इनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, देखें मूव कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो रास्ते का क्या बोलते हैं, गुरीला। हाँ गुरीला, ये बड़ा ख़तरनाक है, पता नहीं मूव करता ही नहीं अभी। देखें ये चीज़, ये देख भाई, अंदर अंदर से भाई डर लग रहा है इसको तो। ओए ओए ओए, चेक कर भाई, इसके दांत देखें भाई, बिल्कुल असली हैं। से निकला हूँ मैं, बिल्कुल फॉर्म है डायनासोर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा व्यू है। ये फैसल शहजाद की इंसेस्ट की वजह से मुझे ज़बरदस्ती लेके आया कि आपको दिखाना है, और खुफिया रखा है इसने मुझे। कैसी लग रही है भाई ब्लॉगिंग मेरे पापा? मेरे से खुफिया रखा है कि ये किधर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब तक पहुँचे हैं तो मैंने कहा कि इस जगह पे मैं आपको लेके आना चाहूँगा। अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, और हर हमला इनका तकरीबन बहुत ही अच्छा है। अच्छा दी, अभी चलते हैं, अभी आगे बाकी का आपको दिखा रहे हैं लोग, और आपको झूले वगैरह दिखाते हैं, और क्या कुछ है डिनर लैंड में वो दिखाते हैं। जब से आगे से गुजर जाए ना, फिर बारी स्टार्ट हो जाता है ये। अच्छा जी, ये दरख्त जो है चलता फिरता बोलता है और कहानी भी सुनाता है, ये देखें काफी भोला सा। हाथी और चींटी, ये कहानी एक हाथी और एक चींटी की है। क्या बात है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था, उसे अपने बड़े डिंडोर पर घमंड था, वो हमेशा बच्चों के लिए बड़ों के लिए झूले, ये पायरेट शेप है, 300 रुपये इसका आई थिंक टिकट है, अपनी जबान में कश्ती कह लें, बड़ी कश्ती है जो ऊपर नीचे जाती है वो। ये ड्रॉप टावर, ये भी 300 रुपये ड्रॉप टावर। ये म्यूजिक गार्डन है भाई, बहुत अच्छी है, अच्छी जगह। अच्छा जी, ये ड्रम वगैरह, म्यूजिक प्ले लैंड वगैरह, लोग आके
ये प्ले एरिया बच्चों का, आउटडोर में आप कह रहे हैं, खूबसूरत। ये हम पिछली दफा आए थे तो हमें हमारे जहन में भी नहीं था कि ये जगह भी है, उस टाइम पता ही नहीं था, पता होता तो हम डायरेक्ट इधर ही आ जाते। ऐसा ही है। अच्छा ये डिनो कैफे है, मोशन आर्ट की भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो थोड़ा फिर भी आप दिखा रहे थे ऊपर मोशन आर्ट वगैरह बन रही है, देखिए स्क्रीन और ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो होती हैं ऊपर बैठ के ना राइड वगैरह लेते हैं। आस्ते आस्ते फैमिलीज वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है और ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों का खूबसूरत व्यू। और ये गाड़ी हमें लेके आई है भाई, और इस मौके पे पाकिस्तान का झंडा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, बहुत बड़ा झंडा लगाया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और ये डायनासोर भाई बहुत गुस्से वाला लग रहा है, गाड़ी पूरी मुंह में ले लिए इसके बाद ही बाद में चलेंगे। ओके हॉर्स छोटे बच्चों के लिए, हॉर्स राइड। और ये है जी बड़ा जुरासिक गोरिल्ला, राइड देखने हैं भाई, एक मिनट वेट करते हैं राइड देखते हैं। भाई गुस्से में आ गया ये तो, इसको देखिए भाई डॉक्टर डॉक्टर। तो व्यूअर्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ छोटे बच्चों का प्ले एरिया, फन लैंड भी आप कह सकते हैं इसे, सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये देखें जंगल वार्ड, जंपिंग जैप जहाँ पे जंप लेते हैं, क्या बात, बॉल फेंकते हैं भाई। ओ क्या बात है, सुंदर गया, गेमिंग वाला सिस्टम भी है। अभी आपको दिखाते हैं वो डायनासोर जिसने अपने मुंह में गाड़ी रखी हुई है, ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और आपको लोकेशन बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लोकेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ, और वीकेंड पर आएँ तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। आज इतना रश नहीं था, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह सुबह का नहीं कह सकते, दोपहर होगी एक दो का टाइम है तो इतना रश नहीं है। तो मुझे और मेरे फादर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।